आज की रेसिपी बनाने वाली हूँ मैं आटे का हलवा या फिर कड़ा प्रसाद, जो ज़्यादातर गुरुद्वारों में प्रसाद के रूप में मिलता है वो आटे का ही हलवा होता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बर्तन और उसमें डाला है 1 गिलास पानी, और साथ में मैं यहाँ डाल रही हूँ चीनी, और इस पानी को हम उबाल लेंगे। तो यहाँ पानी गर्म होने लगा है, अब मैं दूसरे गैस पर आटे को भून लेती हूँ घी में। तो एक बर्तन लेंगे और उसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा लेना होगा, और जितना हमने देसी घी लिया है उससे थोड़ा कम लेंगे हम गेहूं का आटा। अब डालेंगे इसमें गेहूं का आटा। तो हमें एक बात याद रखनी है कि आटे का हलवा बनाते समय जो हम गेहूं का आटा लेंगे वो थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। मैदे की तरह बारीक गेहूं के आटे से ये वाला हलवा नहीं बनाया जाता। अब इस आटे को हम भून लेंगे थोड़ा सा गोल्डन कलर तक। गैस का फ्लेम बिल्कुल मीडियम रखेंगे ताकि जो आटा है वो जले ना। पानी को हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे, और जब लगेगा और पानी डालना है तो इसमें डाल लेंगे बीच में। अगर आप आटे के हलवे में ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वैसे तो इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स नहीं डाला जाता। जब हलवा बर्तन की पैंद को छोड़ने लगे तो वो पककर तैयार है, और इस तरीके से बनाया जाता है आटे का हलवा।